आज हमारा जाने का भी दिन है, क्योंकि कथा विराम होगी। कथा विराम होकर सब अपने अपने घर को जाएंगे। आज हम सुबह से मन में विचार कर रहे थे कि जैसे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा बेटे, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नवयुवक लड़के दूसरे दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, मुंबई पुणे आदि आदि बहुत अच्छे अच्छे सर्विस, बहुत अच्छे अच्छे नौकरियां, बहुत अच्छे अच्छे पद इन बेटों के पास में है। और बेटा जब मुंबई पुणे से छठ की पूजन में, दिवाली की पूजन में या होली की पूजन में जब वो अपना मुंबई पुणे छोड़कर बेंगलोर छोड़कर अपने गांव में आता है, तब माता पिता कितने खुश होते हैं। और माता पिता जब वो बेटा जाता है ना, तो माँ और बाप अपने बेटे के झोले में क्या क्या न रख दें। वो बेटा जब जाता है तो बहू से कह देते, इसमें मैंने अचार रख दिया है, इसमें मैंने चटनी रख दी है, इसमें मैंने सामान रख दिया है, सुन बेटे को भी खिला देना ट्रेन में, तू भी खा लेना, और सुन मैंने पोते के लिए भी रख दिया है। एक केवल माता पिता ऐसे होते हैं जो बेटा जा रहा है बेंगलोर पुणे और मुंबई सर्विस के लिए, और माँ अपने पति से कह देती है, मेरा बाबू जाएगा, तुम बाजार से ये सामान ला दो, मैं उसके बैग में रख दूंगी, जाओ जरा ये ले आओ। और माँ बाप अपने बैग में सब सामान पैक कर कर बाप और माँ बबुआ को गले लगाकर वापिस भेज देते हैं और कह देते हैं, बबुआ अगली छठ को वापिस आएगा ना, अगली दीपावली को वापिस आएगा ना। आज मुझे भी ऐसा लगता है मेरा बाबा विश्वनाथ, आज विदाई के क्षण पर मुझे लगता है कि मेरा बाबा मुझे वापिस बुला लेना, फिर बोलू बस इतना कहना चाहता। उसकी जुदाई देखी नहीं जाती, बहुत भीड़ के कारण मैं तो मंदिर भी केवल एक ही दिन गया, उस दिन भी लेके आया था बाबा, मैं रोज वही आता था, मैं आता हूँ, लोगों को कष्ट होता है, किसी को पांव लगता है, किसी को हाथ लगता है, पर मुझसे मिलने तो रोज आता था। और ये मेरी व्यास पीठ थी, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मेरा विश्वनाथ मुझसे मिलने नहीं आया, ये दिन आया है। हर पल हर घड़ी उसने एहसास दिखा दिया अपना एहसास कि मैं हूं तेरे साथ, और ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, हर पल हर घड़ी खड़ा, हर क्षण खड़ा।